मुंबई शहर से एक ऐसी लड़की निकली राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए, तो हिंदू संगठन के लोग उसको पलकों पे बिठा लिए, जगह जगह स्वागत किया। और इस वक्त हमारे साथ है शबनम शेख, और शबनम शेख पैदल चल करके मुंबई से अयोध्या के लिए आई हैं। सबसे पहले शबनम शेख, समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय श्री राम। शबनम शेख, कब आपने मुंबई से चली है, कितना दिन हो गया आपने? मुझे आज 40 दिन हो गया है। मैं मुंबई से निकली थी 21 दिसंबर 2023 को। अच्छा। रास्ते में जब आप आई हैं, कितना स्वागत हुआ आपका? भव्य स्वागत हुआ है, बहुत स्वागत हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र से ज़्यादा स्वागत सत्कार हमारा मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में तो पूरा, मैं मध्य प्रदेश से होते हुए आई हूँ, सबसे ज़्यादा समय हमारा वहीं बीता है। तो मध्य प्रदेश की जर्नी हमारी बहुत ही उमदा थी, बहुत अच्छा था। मुस्लिम होने के बावजूद जिस तरीके से जो कदम आपने चुना, आप पैदल आई हैं, क्या मुस्लिम समाज की बेटियाँ, मुस्लिम समाज के लोग क्या फतवा जारी के फतवा जारी तो किया है किसी मीडिया हाउस के जरिए, मतलब एक व्यक्ति था पत्रकार, उसने बताया है। कुछ मौलाना लोगों ने मेरे पे टीपा टिप्पणी की है, वो भी बहुत गलत तरीके से, और कुछ यूट्यूबर्स मौलाना है, उन्होंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है गंदी गंदी। बहुत लोग हैं रैप थ्रेड्स दे रहे, डेथ थ्रेड्स दे रहे, देते रहते हैं। वो तो सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो बहुत ही अलग है। ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा, आप एक लड़की हैं, 40 दिनों से चली हैं, रास्ते में मिली हैं, आपके जो लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं मुस्लिम लड़कियों के लिए? देखिए, संदेश यही देना चाहती हूँ कि मैं निकल सकती हूँ घर से बाहर, तो आप लोग भी निकलिए। ज़रूरी नहीं है कि राम मंदिर के लिए ही निकलना है, यात्रा ही करना है। किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई हो या कोई भी आपको जॉब करना हो, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें घर पर बिठा दिया जाता है टेंथ करने के बाद, आगे कॉलेज की स्टडी नहीं करने दी जाती है, या फिर उनको शादी के लिए फोर्स किया जाता है, तो वो सब चीज़ों से बाहर निकलिए। और भारत में शबनम शेख ही अकेली ऐसी लड़की है जो मुंबई से लेकर के और अयोध्या तक आ रही है, क्या इस शबनम शेख के पीछे क्या कोई और तो खेला नहीं है फेम के लिए, और क्या खेला को नहीं है? नहीं नहीं, फेम वेम का कोई चक्कर नहीं है, फेम तो बहुत, मैं जिस जगह से आती हूँ, मुंबई माया नगरी है, बॉलीवुड का स्थान है, वहाँ पर करना होता है लोगों को तो बहुत कुछ तरीके से कर लेते हैं। ये मैं दिल से निकली हूँ, अपने मन से निकली हूँ, मेरे दिल में आस्था है राम जी के लिए, इसलिए निकली हूँ। जिससे मुसलमान के आप कह रही हैं कुछ ठेकेदार होते हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म के भी ठेकेदार होते हैं। अगर यही काम किसी हिंदू लड़की मक्का के लिए जाती, हिंदू के लोग ही उसकी टीका टिप्पणी करते हैं, उस टीका टिप्पणी से आपने कुछ सीखा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदू लड़की कहीं जा ही नहीं सकती है। आप मक्का मदीना की बात कर रहे हो, मक्का मदीना इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं, बाहर है वो, और वहाँ पर वो जा नहीं सकती, उसको परमिशन नहीं है। पहली बात, वहाँ नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि ऐसे मस्जिद और मज़ारों में महिलाएं अलाउड नहीं है, वहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वो वहाँ जा ही नहीं सकती है। हाँ, कह रही हैं तमाम मस्जिद मज़ारों में जा रही है, मेरे को नहीं मिलता है, जब मैं तो कही हूँ मुझे तो क्या शबनम से मुस्लिम से हिंदू के तरफ, हिंदू सनातनी के तरफ कन्वर्ट है? कि आपने जैसे बोला कि कोई हिंदू लड़की अगर मक्का मदीना जाती है तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, लेकिन एक शबनम शेख अगर मंदिर जाती है तो उसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो दोनों चीजें में यही फर्क है। आप ये बताइए शबनम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मौलाना हमारे खिलाफ फतवा जारी करते हैं, हिंदू धर्म में कुछ इस तरीके से हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, अगर ये दोनों ठेकेदार खत्म हो जाए तो फिर क्या हिंदू धर्म के लड़कियां, मुस्लिम धर्म की लड़कियां, मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़के आज़ादी से जी सकते हैं, आज़ादी से इंटरफेयर कास्ट शादी कर सकते हैं, तो समाज मजबूत होगा कि नहीं मजबूत होगा? लोग करते हैं, आप कौन से समाज की बात कर रहे हो, लोग करते हैं, इंटरफेथ रिलेशनशिप में इंटर कास्ट शादी करते हैं, बहुत कर रहे हैं। और रही बात, किसी को किसी से मतलब नहीं होता भाई, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। 40 दिन के सफर करके आ रही हैं, रामलला की दर्शन करेंगे, क्या मांग है? वो राम जी से बताऊंगी, राम जी से बताएंगे, बिल्कुल समाचार भारत पे नहीं बताएंगे, नहीं पर्सनल है वो चीज़ें। अच्छा, उन्हीं से बताऊंगी, जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी तब मैं बताऊंगी। अच्छा। कि मैंने ये चीज़ें राम जी से मांगी थी, पता, हालांकि मैंने मेरे दोस्तों को वो चीज़ बता के रखी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी वो चीज़ मेरी पूरा करेंगे, और जब पूरा होगा तो फिर मैं बता दूंगी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। अच्छा। और पहले सभी को जय श्री राम जी बताएं। क्या है शुभम जी, 40 दिन से सफर करके साथ में आ रहे हैं, कैसा सफर रहा, और रामलला का दर्शन करने के बाद शबनम के लिए आप उनके दोस्त हैं, क्या
मांगेंगे? भाई मैं शबनम के लिए नहीं, मैं जो भी लड़कियां कुछ अच्छा धर्म के लिए करना चाहती हैं, मतलब सही चीज करना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो, तो भाई मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा तत्पर हूँ। और जो लोग करते हैं कमेंटबाजी, तो भाई मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, अगर करना है तो सामने आके करो, पीठ पीछे मत करो, क्योंकि पीठ पीछे हमको पता नहीं है कि आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते। अगर दम है तो सामने आओ, सामने बात करते हैं किसमें कितना है दम। एक चीज देखा हूँ कि जब शबनम से खा रही है, उनके पीछे इर्द गिर्द सारे हिंदू लड़के आ रहे हैं, कोई हिंदू लड़कियां जब आती है तो उसके पीछे कोई नजर नहीं आ रहा है, ऐसा मैं... क्या फ्रेम है? नहीं नहीं नहीं, समझा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज होना चाहिए कि आपको सही चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसका उससे क्या लोगों को फायदा होगा और उससे क्या जागरूकता पैदा होगी अपने हमारे साथ कुछ लोग। क्या नाम भैया? सुशील मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आप हैं? मैं यहीं अयोध्या से। क्या कहेंगे, शबनम सही मुंबई से आके चल करके आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये शबनम शेख नहीं है, हिंदुस्तान की शेरनी है। इन्होंने जो मैसेज पूरी दुनिया को दिया है, चूंकि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है, और अभी आप जब सवाल कर रहे थे तो कुछ अटपटे सवाल थे, हमें लग रहा था कि ये सवाल कुछ अटपटे टाइप के हैं। आपने कहा कि कोई हिंदू महिला आएगी तो क्या उसका स्वागत, क्या यहाँ हिंदू महिला नहीं आई है? एंटिनो माइनो वहाँ से आई, हम लोगों ने उसको, हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने उनको बहुत स्वीकार किया। ये हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति के लोग हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। किस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू लड़की आए कि उसका स्वागत नहीं करेंगे? अभी ये शबनम शेख आई हैं, इसके पहले जितने भी लोग अयोध्या आ रहे हैं, सुशील अयोध्यावासी, लगातार मैं यही सड़कों से लगातार उनका मैं स्वागत कर रहा हूं। ये कोई एक कास्ट का मामला नहीं है कि मुस्लिम है इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं, हिंदू भी आता है उसका भी स्वागत होता है। अभी गौभक्त, महान गौभक्त, 12-12 वर्ल्ड रिकॉर्डधारी देसी टार्जन भी इसी रोड से गए हैं, हम लोग उनके साथ पैदल चल के यहाँ यहीं से गए हैं, लगातार उन्होंने 1,51,000 सपाटे, ऐसा नहीं है। शबनम शेख आई है, उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। जो मुल्ला मौलवी मौलाना ऐसे लोग लगातार फतवे के नाम पे डराने का भड़काने का प्रयास करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है उन मुल्ला मौलानाओं के ऊपर। यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं वो पुराने जो है हिंदू थे, और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार का इन्होंने मैसेज दिया है हिंदुस्तान की शेरनी ने, ये लगातार उन लोगों के मुँह पे तमाचा है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब एक ही है। देखिए, आप इंटर फेथ रिलेशनशिप को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रहे हो, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वो एक पर्सनल मुद्दा है, एक लड़का और लड़की का अंदर का मामला है, जिसको करना होगा वो हिंदू मुस्लिम की शादी की बात कर रहे हो ना? यही तो कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड के बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता, आरएसएस के नेता, उनकी भतीजी की शादी जब मुसलमान के जब कार्ड छपाया गया तो हिंदुवानी के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इतना उसको ट्रोल किए कि मुस्लिम लड़की से शादी करना बंद हो गया। हमारा वही तो कहने का है कि जिस तरीके से मुसलमान में लोग फतवा जारी करते हैं, उसी तरीके से हिंदुओं में है, तो क्या ये दोनों लोगों को बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर लड़के को किसी लड़की से शादी करना है या लड़की को किसी लड़के से शादी करना, वो उनके आपस का मामला, उनका पर्सनल चीज है, तो हम कोई नहीं होते इंटरफेयर करने वाले। अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सिवाय मेरे माँ बाप के, लड़के के माँ बाप के और लड़की के माँ बाप के। किसी को भी किसी से शादी करनी है वो तो करके रहेगा भाई, उसका प्यार है वो, चाहे वो कितने भी लोग उसे ट्रोल कर ले, कुछ भी कर ले। जय श्री राम। तो ये देख सकते हैं शबनम शेख थी जिन्होंने साफ संदेश दिया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और दोनों लोगों को जो शादी की बात होती है, धर्म की बात है, इसमें ठेकेदारों की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर राजीव मंदिर से दो परिवार आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के धर्म स्थान पर जाते हैं तो कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए और उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो जिस तरीके से शबनम शेख 4000 किलोमीटर चल करके मुंबई से अयोध्या आई है, तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक ये दिखाई दे रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, अयोध्या।